नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। रेलवे में निकली 2,30,000 पदों की भर्ती, जानिए कब होगी शुरू। अगर आपको सरकारी नौकरी के बंपर भर्ती का इंतजार है तो ये खबर आपको काम ही। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे जल्द ही 2,30,000 की सरकारी पदों की भर्ती शुरू करेगी। यह नहीं बल्कि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ समय बाद बात कर रेलवे में 2019-2020 तक करीब 2,30,000 पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल ही जाएगा। आपको बता दें कि अगर 2018 में रेलवे ग्रुप डी की करीब 1,10,000 पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं बाकी है, आना बाकी है। और रेलवे में सिर्फ 2,30,000 पदों की भर्ती निकालती है, वह सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बता दें कि कोई भी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि भर्ती दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में करीब इस साल करीब 1,31,000 पदों की भर्ती होगी। इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आखिरी सप्ताह तक रेलवे वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। वहीं दूसरी चरण में करीब 99,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया अगले 2019-2020 में शुरू होगी। नोटिफिकेशन अगले मई जून में उपलब्ध होगी। खासकर बता दें कि 1 फरवरी सरकार द्वारा सरकारी नौकरी सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप में कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देने का काम शुरू हो चुका है। और ऐसे में रेलवे 2,30,000 पदों की भर्ती करता है और भर्ती लगभग 23,000 पदों का सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को लिए नहीं होंगे।